हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल मैन की। आज की इस वीडियो में हम रियलमी 12X 5G या Narzo 70X 5G कह लीजिए, इसमें हम फ्री फायर मैक्स का 1 आवर तक टेस्ट करेंगे। साथ ही गाइस बैटरी रन टेस्ट करेंगे एंड गाइस देखेंगे कैसा ये परफॉर्मेंस देता है एंड FPS कैसा प्रोवाइड करता है, हीटिंग इशू कैसा देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप कैसा है। सो गाइस सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से सिंपली टाइमर को स्टार्ट करते हैं एंड फ्री फायर मैक्स में एंटर होते हैं। बाय द वे यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, अभी 100 पे है, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले कितना ड्रेन करता है ये। साथ ही गाइस यहाँ पे सेटिंग आपको दिखा दूँ तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक नया हमें सेटिंग देखने को मिलता है इनहेंस्ड करके FPS में। अभी ये गाइस 40 FPS है बेसिकली एंड यहाँ पे देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। बाकी टेम्परेचर देख सकते हैं, रूम का 30 के अराउंड है एंड फ़ोन का 34 के अराउंड। ओके अब दोस्त, यहाँ पे ये 40 FPS पे रन कर रहा है, जो इनहेंस्ड वाला कुछ करके ऐड किया नया फ्री फायर मैक्स में, पहले ये देखने को नहीं मिलता था। पहले सिर्फ 30 FPS और 60 FPS देखने को मिलता था, बट अब यहाँ पे फ्री फायर मैक्स में आपको 30 FPS, 40 FPS एंड 60 FPS देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली 40 FPS पे प्ले कर रहे हैं। ओके अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं इस फोन की स्पेक्स के बारे में। तो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 45W का फास्ट चार्जर है, डुअल स्पीकर है, 120Hz का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड इस डुअल स्पीकर की क्वालिटी ठीक लगी मुझे, बहुत अच्छा नहीं लगा एंड बहुत बुरा भी नहीं है, तो सिंगल स्पीकर से क्लियरली बेटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस 120Hz नॉर्मली UI में स्मूथ फील होता है, बट यू नो कि इसमें आपको ऐप ओपनिंग का एनिमेशन, क्लोजिंग का एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है, तो वो थोड़ा बोरिंग फील होता है। देना चाहिए था भाई इस प्राइस रेंज में, मतलब वो देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलता है। बट ऐसे स्मूथनेस अच्छा प्रोवाइड करता है नॉर्मल यूज़ में भी, कोई फ्रेम ड्रॉप या जिटर टाइप में ज़्यादा फील नहीं होता है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है गाइस डायमेंसिटी का 6100+। ये गाइस ऑलमोस्ट सेमी प्रोसेसर यूज़ किया गया था रियलमी 11X में एंड सेमी 12X में लॉन्च किया, लेकिन 11X से काफ़ी ज़्यादा मतलब अपग्रेड किया, लाइक यहाँ पे फास्ट चार्जर और अच्छा अपग्रेड कर दिया, डुअल स्पीकर ऐड कर दिए एंड साथ ही गाइस 120Hz का डिस्प्ले भी ऐड कर दिए, जबकि आई थिंक कि रियलमी 11X में 60Hz था। तो यहाँ पे अच्छी अपग्रेड देखने को मिली है। बाय द वे की सब बात करते हैं यहाँ पे कि कैसा यह परफॉर्म करता है। सो इस 40 FPS पे कोई भी मतलब फ्रेम ड्रॉप जैसा नोटिस नहीं होता है, 40 FPS के हिसाब से ये अच्छा गेमिंग करा देता है, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है एंड जीटर वगैरह बिल्कुल नोटिस नहीं होता है। तो FPS के मामले में मतलब 40 FPS पे मस्त प्रोवाइड करता है, कोई भी सिंगल टाइप में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। तो 40 FPS पे भी चाहे तो आप प्ले कर सकते हैं, सेंसिटिविटी वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है सिंगल स्पीकर के मुकाबले, बट बहुत ज़्यादा लाउड देखने को नहीं मिलता है। सेटिंग से इसका मैंने चेंज किया, तब जाकर इसका स्पीकर की क्वालिटी मुझे और बेटर लगा, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट आता है सेटिंग वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो आप मेरा अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखिएगा एंड वहाँ से आप जाकर ज़रूर से चेंज कर लीजिएगा वो सेटिंग, ताकि आपका भी एक्सपीरियंस स्पीकर से बेटर मिले। बाय द वे ये Narzo 70X भी सेम ही देखने को मिलता है, बस यही फ़ोन लॉन्च हुआ है Narzo 70X के नाम से। तो आप अगर Narzo 70X का वीडियो देख ना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, सेम ही फ़ोन है बाय द वे। बाकी इस यहाँ पे अब हम सेटिंग को चेंज करते हैं एंड इस यहाँ पे अब हम प्ले करेंगे 60 FPS पे, तो गाइस देखते हैं कि 60 FPS पर कैसा FPS प्रोवाइड करता है। सो गाइस यहाँ पे आपको FPS भी दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे 40 FPS पे तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कि 60 FPS पे कैसा परफॉर्मेंस देता है। सो ये 60 FPS में बात यह है कि ये 60 FPS टच ही नहीं करता है। मैंने सारे ही सेटिंग जो इसके गेम मोड में फीचर देखने को मिलते हैं जो कि FPS को इम्प्रूव करता है, वो सारे ही सेटिंग्स को मैंने ऑन करके भी टेस्ट कर लिया एंड मतलब नॉर्मल भी टेस्ट कर लिया, वो सारे सेटिंग्स को ऑफ करके भी। तो यहाँ पे भाई मैंने नोटिस किया कि ये 60 FPS टच ही नहीं करता है, मैक्स टू मैक्स ये 50 जाता है, 50 से भाई एक भी मतलब FPS ज़्यादा नहीं जाता है, तो 50 के नीचे रहता है और 47 और 50 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो मतलब आपको FPS ड्रॉप ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये 50 FPS के अप्रॉक्स चिपक के रहता है।
तो FPS से रिलेटेड इशू नहीं होगा, बट 60 FPS देता तो आपको गेमिंग में और ज़्यादा स्मूथनेस बेटर देखने को मिलती, बट इसमें देखने को वो नहीं मिलता है। तो ये एक आपको चीज़ नोटिस करने वाली देखने को मिल जाती है। बाकी और सभी चीज़ें इसमें अच्छी लगी मुझे, लाइक कैमरा भी ओवरऑल अच्छा लगा इसका। वैसे मैंने सोचा था कैमरा रिव्यू करने का, बट भाई पता नहीं रियलमी वाले इतने फ़ोन लॉन्च किए कि भाई सब्सक्राइबर्स कन्फ्यूज हो गए। तो ये फ़ोन का वीडियो भी वैसे चल नहीं रहा मेरा, तो मतलब सोचा बाई कर लिया तो भाई बना ही देते हैं। ओके, तो ये बिना मन का ही वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, पता नहीं व्यूज आएगा या नहीं इस पर। ओके, सो दोस्त ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी यहाँ पे एंड तक देखिए, एंड फिर आपको एंड में बताते हैं कितना टेम्परेचर गया, कितना बैटरी रन किया, एंड परफॉर्मेंस का तो आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। तो कोई भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, एंड उस टाइम पे मतलब मैं कहूँगा कि आप बाइक कर सकते हैं, मतलब सेल में बाइक करेंगे 10,000 10,500 11 का अप्रॉक्स में मिले तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा ये डिवाइस। ओके, तो उस टाइम पे बाइक करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो दोस्त देखिए वीडियो को थोड़ा सा एंड तक, एंड फिर आपसे मिलते हैं हम आखिर में। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे फाइनली हमारे ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट होने ही वाले हैं। बाय द वे यहाँ पे टेम्परेचर अभी देख सकते हैं 38 के अराउंड है, एंड इधर से 40 टच कर गया है। राइट साइड से नीचे से देखेंगे तो 37 है, एंड बैक से देख लें तो बैक से 37 के अप्रॉक्स शो कर रहा है। सो गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस जो था वो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। बैटरी परसेंटेज की बात कर लीजिए तो 1 आवर में ये 13% डिक्रीज़ किया है, तो बैटरी बैकअप अच्छा प्रोवाइड करता है। ओके दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।